तेज रफ्तार ट्रक सीधे लतिका की ओर बढ़ रहा था। वहीं चेतन और बाकी सब लतिका से काफी दूर थे और कोई भी ऐसी संभावना नहीं थी जिससे कि लतिका को बचाया जा सके। जैसे ही वो ट्रक लतिका के बिल्कुल नजदीक आ गया, सभी की सांसें अटक गई और गोमती और चेतन ने तो अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक जोरदार शोर हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रक ने तेजी से ब्रेक लगाया हो। एक पल के लिए मानो सब कुछ शांत पड़ गया। तभी गौतम भागते हुए वीर सिंह के पास आया और उसे हिलाते हुए बोला, पापा लतिका। ये सुनते ही वीर सिंह जोर से रोते हुए बोला, नहीं नहीं देखना मुझे। तब गौतम ने चेतन को उठाने की कोशिश की, लेकिन चेतन को इतना सदमा पहुंचा था कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा था। एकाएक गौतम चिल्लाते हुए बोला, अरे उठिए आप सब, लतिका ठीक है, शायद उन्होंने बचा लिया उसे। ये सुनते ही वीर सिंह हैरानी से गौतम को देखते हुए बोला, क्या कहा, किसने बचाया? तब गौतम इशारे से लतिका से थोड़ा आगे दिखाते हुए बोला, उन लोगों ने। तब वीर सिंह और गौतम लतिका की ओर जाने लगे। उसी बीच वीर सिंह बोला, कौन है वो लोग और आखिर अचानक हुआ क्या? इतना सुनकर गौतम हांफती हुई आवाज में बोला, मुझे नहीं पता आखिर कौन है वो लोग और असल में हुआ ऐसा कि। कहते हुए गौतम ने पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी। दरअसल जब वो तेज रफ्तार ट्रक लतिका को टक्कर मारने ही वाला था कि अचानक एक बाइक पर सवार दो लड़के अचानक से बीच में आ गए और लतिका को धक्का देते हुए सड़क से दूर कर दिया, जिसके कारण वो बच गई। लेकिन उसे धक्का देने के चक्कर में उनकी बाइक डिसबैलेंस होकर सड़क किनारे जा गिरी। अभी गौतम और बाकी सब लतिका के पास पहुंचे भी नहीं थे कि उन दोनों में से एक लड़का बेहद गुस्से में अपना हेलमेट निकालते हुए बोला, लड़की तुम क्या पागल हो जो आत्महत्या करने की कोशिश में हो? तुम्हारे चक्कर में अभी हमारी जान चली जाती। उस लड़के ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और उसके लंबे बाल उसकी आंखों को ढकने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसका दोस्त अपने कपड़े झटकते हुए उठ खड़ा हुआ और सीधा उस लड़के के कंधे को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, भाई चल निकलते हैं, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, अब और लेट नहीं हो सकते। ये सुनते ही उस लड़के ने हेलमेट लगा लिया। तभी अचानक गौतम भागते हुए उनके पास चला आया और लतिका को उठाते हुए बोला, थैंक्स दोस्त, यहाँ इतने लोग थे, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी बहन को बचा लिया। जवाब स्वरूप उस लड़के का दोस्त बोला, भाई बाबा का ख्याल भी कर ले, चले क्या? तब वो लड़का लतिका की ओर देखते हुए बोला, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बहन को ना संभाल के रखो, पागल है ये लड़की, आज तो इसने खुद के साथ हमें भी मरवा देना था। कहते हुए उसने जाने के लिए रुक कर लिया। चेतन और बाकी सब जब तक वहां पहुंचे तब तक वो दोनों लड़के वहां से चले गए। जैसे चेतन ने पाया कि लतिका ठीक है तो वो उसके माथे को चूमते हुए बोला, बेटा तुम ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं आई? तब लतिका जोर से चेतन के गले लगकर रोते हुए बोली, सॉरी पापा, वो सब मेरे कंट्रोल में नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, I'm sorry पापा, मुझे कुछ होता तो आपका क्या होता? ये कहते हुए लतिका रोई जा रही थी। तब चेतन उसे गले से लगाकर शांत करते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ भूल जाओ उसे, जाने दो। तभी गोमती तुरंत ही बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उन दोनों लड़कों ने भगवान पर मौके पर पहुंचकर हमारी बच्ची को बचा लिया, वरना आज तो अनहोनी हो जाती। तभी वीर सिंह बोला, चलो जो हुआ छोड़ो उसे, घर चलते हैं। ये कहते हुए वो सभी उठ खड़े हुए। तभी लतिका धीरे से बोली, पापा पता नहीं क्यों उस हादसे के बाद मुझे थोड़ा हल्का सा ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे दिमाग से सारी आवाजें निकल गई और अब कुछ भी बाकी ना रहा। लतिका ने कहा भी नहीं था कि अचानक एक बार फिर लतिका के सिर में तेज दर्द हुआ और वो जोर से चीखते हुए बोली, पापा वो आवाज और वो दर्द दोबारा शुरू हो गए, बचाओ बचाओ मुझे पापा, बचाओ मुझे। कहते हुए उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और वो बेहोश हो गई। तभी चेतन ये देख गौतम से बोला, गौतम भाग कर जाओ और तुरंत गाड़ी लेकर आओ, हमें इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कहते हुए चेतन जमीन पर बैठ गया और लतिका को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह चेतन कुछ भी कर पाने में असमर्थ ही था। तभी अचानक गौतम कार लेकर पहुंच गया। तब चेतन लतिका को गोद में उठाकर कार में लिटाते हुए बोला, वीर सिंह तुम मेरे साथ आओ और आप लोग सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच जाइए, वहीं पहुंचकर पता लगेगा कि आखिर लतिका को हो क्या रहा है। जैसे वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे लतिका को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया।
डॉक्टर बार बार लतिका को चेक करता और उसकी रिपोर्ट को कागज पर लिख रहा था। तभी लतिका के पैर के पास बैठा चेतन हैरानी के साथ डॉक्टर से बोला, डॉक्टर आखिर बात क्या है, लतिका को होश क्यों नहीं आ रहा? तब डॉक्टर लिखी हुई सारी बातों को मन ही मन पढ़ते हुए बोला, देखिए इन्हें हो क्या रहा है ये मैं भी नहीं कह पाऊंगा, जैसे दिमाग में कोई सदमा पहुंचा हो, जो अक्सर बिना एक्सीडेंट किसी को होता नहीं है, लेकिन इन्हें कोई चोट भी नहीं है। ये सुनकर वीर सिंह भड़कते हुए बोला, डॉक्टर हमारी बच्ची को जो भी हुआ उसे होश में लाना आपकी जिम्मेदारी है और जो आप निभा नहीं रहे हैं। कहते हुए वीर सिंह कमरे से बाहर चला गया। तब डॉक्टर लतिका की ओर देखकर बोला, देखिए जज्बाती होने से कुछ नहीं होगा, आप बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इन्हें सुबह तक होश आ जाए। कहते हुए डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया। तभी चेतन बेहोश लेटी हुई लतिका को देखते हुए बोला, सभी लोग कमरे से बाहर जाइए, लतिका के पास सिर्फ मैं रहना चाहता हूँ। चेतन की बात सुन गोमती और गौतम भी कमरे से बाहर चले गए। तब चेतन लतिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरे बच्चे जब तक तेरा ये बाप जिंदा है तुझे मौत के मुंह से भी वापस लेकर आएगा। इतना कहते हुए चेतन ने अपनी जेब से नित्या देवी का दिया धागा निकाला और लतिका के हाथ पर बांध दिया। थोड़ी देर तक लतिका के पास बैठने के बाद चेतन कमरे से बाहर चला आया और अकेले बैठे वीर सिंह के पास बैठ कर बोला, वीर सिंह हमने थोड़ी जल्दी की है। ये सुनते ही वीर सिंह चेतन को हैरानी से देखने लगा। तब चेतन एक गहरी सांस लेकर बोला, कालदूत ने मुझे बताया कि अब वो सही समय है जब वो किताब हमें कोई क्लू देगी, हमें घर चलना होगा अभी के अभी। ये सुनते ही वीर सिंह चेतन पर भड़कते हुए बोला, पागल हो क्या चेतन, लतिका अभी बेहोश है, भला उसे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तब चेतन बोला, वीर सिंह हमें अपनी लतिका को बचाना है तो हमें इसी समय उस किताब में देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो हमें लतिका को बचाने के लिए मदद कर सकता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी शालिनी और उसके मम्मी पापा भी लतिका को विजिट करने पहुंच गए। तब वीर सिंह उन्हें देख हैरानी से बोला, आप लोग और यहाँ? तब शालिनी के फादर बोले, गौतम ने हमें फोन पर सारी बात बताई और हमसे रिक्वेस्ट की कि शालू को आने दे, शायद लतिका को उसकी जरूरत हो। तब हमने सोचा कि आप लोगों को भी तो हमारी जरूरत पड़ सकती है। ये सुनते ही चेतन शालिनी के पापा को गले लगाते हुए बोला, आप लोग बच्चों के पास रुकिए, हम जरा घर से कुछ जरूरी सामान ले आते हैं। इतना कहकर चेतन और वीर सिंह वहां से घर की ओर निकल गए। वहीं कमरे के भीतर शालिनी बेहोश लतिका के हाथ को पकड़कर बैठी हुई थी। तभी गौतम भी उसके करीब आकर बैठ गया और शालिनी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। तब शालिनी उसे भी संभालते हुए बोली, हिम्मत से काम लीजिए गौतम, आप बड़े भाई हैं, आप देखना लतिका जल्दी होश में आ जाएगी। इतना कहते हुए शालिनी गौतम को भी दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। एकाएक कमरे के बाहर कुछ शोर होने लगा। ये देखते ही गौतम ने जैसे ही बाहर देखा तो कुछ लोग डॉक्टर से किसी मुद्दे पर जोर जोर से बहस कर रहे थे और अचानक ही वहाँ झड़प शुरू हो गई। झड़प के बीच जिस कमरे में लतिका को एडमिट रखा गया था वहाँ लोग घुस आए। ये देख गौतम को गुस्सा आ गया और वो उन लोगों को बाहर करते हुए जोर से चिल्लाया, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, वहाँ मेरी बहन बीमार है, उसे होश नहीं आया काफी देर से और आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ मौजूद तीन चार लोगों में से एक आदमी रूंधे गले से रोते हुए बोला, शुक्र है आपके गरीबी जिंदा तो है, हमारे नहीं रहे, बस इस बात का दुख है हमें, लेकिन सॉरी हम प्रे करेंगे कि आपकी बहन ठीक हो जाए। सुनते गौतम ने दरवाजा खोला तो वहाँ मौजूद वो लोग लतिका को देखने लगे और फिर वहां से चले गए। उन लोगों के जाते ही लतिका अचानक घबरा कर उठ खड़ी हुई। तभी गौतम और बाकी सभी के चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी ओर चेतन और वीर सिंह कार चलाते हुए सीधा घर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक चेतन का फोन बज उठा। तब चेतन बोला, वीर सिंह गौतम का फोन है, बात करो। जैसे ही वीर सिंह ने गौतम से बात करना शुरू की तो वीर सिंह खुशी से चिल्लाते हुए बोला, भगवान का शुक्र है चेतन, हमारी लतिका को होश आ गया, चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं। तब चेतन भी एक पल के लिए शांत होकर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा और फिर अचानक बोला, नहीं वीर सिंह, मैं इस प्रॉब्लम का पूरा इलाज चाहता हूँ, हमें अभी के अभी उस किताब को खोलना है जिसमें उस जीवित कवच के बारे में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। तब वीर सिंह कड़क अंदाज में बोला, तो चलो पता लगाते हैं उस मृत्युंजय के बारे में। इतना सुनते ही चेतन ने गाड़ी तेज कर ली और वो थोड़ी देर में घर पहुंच गए।
तब चेतन जल्दी से कार से बाहर आते हुए बोला, अगर ईश्वर की कृपा रही तो वो किताब हमारा साथ जरूर देगी। इतना कहते हुए वो दोनों भाग कर चेतन के रूम में पहुंच गए। तभी अचानक सारे घर की बिजली चली गई। चेतन ने तुरंत अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करते हुए कहा, आज ऐसी कोई परेशानी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। कहते हुए चेतन ने वीर सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, खोल दो वो दरवाजा। फिर क्या था, वीर सिंह ने माही की तस्वीर को घुमा दिया और वो दोनों सीक्रेट रूम में पहुंच गए। जैसे ही चेतन ने टेबल पर रखी उस किताब को देखा तो पाया उस किताब के अंदर से हल्का सा लाइट आ रहा था। वो उस लाइट को वीर सिंह को दिखाते हुए बोला, वीर सिंह जरा वो देखो। जैसे ही वीर सिंह ने किताब को देखा तो बोला, शायद अब हमारी ये बड़ी टेंशन भी दूर हो जाएगी, लेकिन पता नहीं क्या होगा उस किताब में। तब चेतन मुस्कुराते हुए बोला, जो भी है उस किताब में अभी के अभी पता चल जाएगा, आओ मेरे साथ। ये कहते हुए चेतन टेबल की ओर चलने लगा। जब चेतन ने किताब के ऊपरी हिस्से पर लाइट्स डाली तो रक्षक समूह का वो चिन्ह उसके कवर पेज पर चमकने लगा। ये देखते हुए चेतन और वीर सिंह दोनों खुश हो गए। तब वीर सिंह तुरंत बोला, चेतन अब इस रहस्य से पर्दा हटा ही देते हैं कि आखिर इस किताब में क्या सुराग है। इतना सुनते ही चेतन ने पहला पन्ना खोला जिस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, मृत्युंजय। ये देख चेतन और वीर सिंह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तब चेतन ने अगला पन्ना जैसे ही पलटा तो वहां चमकते अक्षर से दो लाइनें लिखी हुई थी, जोदास वही तुम्हारा खास है, जाओ ढूंढो उसे जो तुम्हारे पास है। साथ ही नीचे एक हाथ बना था जिस पर रक्षक कुल का चिन्ह था। चेतन और वीर सिंह दोनों उन पंक्तियों को पढ़कर चौंक गए। आखिर क्या रहस्य है उन पंक्तियों का, क्या चेतन और वीर सिंह इसका पता लगा सकेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू।